यहाँ से आप इसको देख सकते हैं किस तरह से हमारे इसमें डिज़ाइन इस तरह से बन के आ रही हैं। कंप्लीट ये हमारा हो चुका है, कहीं से भी हमारा कोई धागा या कुछ हमारा इसमें से नहीं दिख रहा है। और बैक से भी आप इसको, नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता बुटीक में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे हम पुराने सूट से डोरमेट बनाना, और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बोला है कि आप पुराने सूट को यूज़ करते हुए बिना कैंची और चाकू का यूज़ करे हुए आप यहाँ पर हमें डोरमेट बना के दिखाइए। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पुराना सूट लिया है और ये एक यहाँ पर एक्स्ट्रा सलवार ले है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं, और हमें यहाँ पर इसकी सारी सिलाई निकालते हुए इसको सीधा उल्टा करते हुए सारे पार्ट्स को हमें अलग कर लेना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और इसको अभी मैं एक साइड रख देती हूँ, और यहाँ से उधर लेना है हमें, यानी कि स्लीव को और इनके सारे पार्ट को हमें अलग कर लेना है। और फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, और ये मेरे सब्सक्राइबर ने मुझको बोला है कि आप एक रिक्वेस्टेड वीडियो है बनाने के लिए कि आप बिना कैंची को बिना चाकू को यूज़ करके आप यहाँ पर डोरमेट बना के दिखाइए। तो मैं उन्हीं की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रही हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ से हमें तुरपाई को निकाल लेना है और यहाँ से पूरे ही पार्ट को हमें इसको अलग कर लेना है। यहाँ मैं कैंची का यूज़ नहीं करूँगी। तो यहाँ सिलाई खोलने के लिए देखिए मैं ये बड़ी सुई ले रही हूँ, जिससे कि हमें ये धागे निकालने में आसानी रहे। सूट पुराना है लेकिन सिलाई हमारी यहाँ पर पक्की लगी हुई है, तो इसलिए हमें इसको निकालने में दिक्कत हो रही है। ये देखिए, इस तरह से हमने टाका तोड़ा है और ये हमारी सिलाई यहाँ से निकल गई है। तो यहाँ देखिए हमारे पीस अलग हुए हैं, और मैंने सिर्फ यहाँ पर सुई का यूज़ किया है। ये देखिए, और ये देखिए, इस तरह से हमारे पूरे पीस यहाँ से निकल के आ गए। ये तुरपाई वाला पीस है हमारा, इसको भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी तुरपाई भी कितनी अच्छी फिनिशिंग से की हुई है, तो पाइप इसकी निकल नहीं रही है। तो देखिए, एक पार्ट मैंने पूरा यहाँ पर इसको ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं पूरा ही पीस हमारा फ्रंट का इस तरह से निकल के आ गया है, और यहाँ से भी हम इसकी ये तुरपाई है, इसको हम यहाँ से पूरे पीस की तुरपाई को हम निकाल लेंगे, जो हमारी ये साइड से तुरपाई है। तो देखिए, मैंने इसकी भी तुरपाई को इस तरह से निकाल दिया है, दो पीस हमारे ये मिल गए। यहाँ से देखिए हमारी स्लीव है, इसको भी हम इस तरह से सिलाई को निकाल लेंगे। देखिए, और यहाँ से हमारा जॉइंट है, इसको भी हम निकाल के यहाँ से अलग कर देंगे। देखिए, हमारी एक स्लिप आ गई, इसी तरह से दूसरी स्लिप को भी हमें निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरह से, और ये अंदर से मैंने इसमें स्लिप में डिज़ाइन बनाया था वो है। और इसी तरह से हमें ये देखिए, ये हमारा कुर्ता, कुर्ते के पीसेस अलग हो गए, इसको हम एक साइड रख देते हैं। और ये रही हमारी सलवार, तो सलवार को भी हमें इसी तरह से पूरा निकाल के इसको पीसेस को अलग कर लेनी है। देखिए, मैं इसको उल्टा करके दिखा रही हूँ आपको। सबसे पहले हमने इसकी बेल्ट को निकाल लेना है। तो मैं यहाँ पर कोई भी कैंची या कोई भी चाकू का यूज़ नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, पूरी बेल्ट हमारी यहाँ निकल गई है, और बेल्ट का जो नेपी की सिलाई है, इसको भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए, पूरी नेफे की हमारी यहाँ पर पट्टी जो बेल्ट की थी वो हमारी इस तरह से आ चुकी है। इसको एक साइड रखेंगे, यहाँ से हमारे जो बेल्ट का जॉइंट है इसको हम खोल लेंगे। सबसे पहले हम इसकी प्लेटों को निकाल देंगे यहाँ से। ये हमने प्लेट दोनों निकाल लिया, दोनों पार्ट को यहाँ से हम अलग कर लेंगे। और इसके बाद में इसकी जो सिलाई है हमारी बीच वाली, इसको हम निकाल देंगे। ये पूरा हमारा
एक पांचक यहाँ से निकल के इस तरह से आ चुका है, और सेम इसी तरह से हम इसका भी बीच की सिलाई निकाल देंगे। देखिए पूरा हमने इस तरह से निकाल लिया है, और इसे निकालने के बाद में अभी इसको हम एक साइड रख लेते हैं। और इसमें हमें टास्क दिया है कि हमें इसमें कैची यूज़ नहीं करनी है, तो हमें इसमें बिल्कुल भी कैची यूज़ नहीं करनी है। अब किस तरह से हम इसको पाड़ेंगे, देखिए कलियाँ हैं, इसको भी हमने यहाँ से निकाल लिया है। ये देखिए ये पैंचा है, ये भी हमने यहाँ से इसे जो हमने बनाया था इसको भी हमने यहाँ से निकाल दिया है, जो कि हमारा बुकरम लगा होता है। ये देखिए ये हमारा बुकरम वाला हिस्सा आ गया, और ये दोनों पीस हमारे अलग हो चुके हैं। इसी तरह से इसके भी हम दोनों पीस को अलग कर लेंगे। देखिए और अब हमें इसमें से पट्टियाँ कट करनी है। अब पट्टियाँ कट करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम, इसमें 4-4 इंच की इस तरह से हम पट्टियाँ यहाँ से कट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं कोई वो नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ सुई का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए ये देखिए एक पट्टी हमने यहाँ पर इस तरह से निकाल ली है। देखिए यहाँ पर फिर हमने 4 इंच की पट्टी ले ली है, और यहाँ पर यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। तो देखिए पूरे ही पैंचे से हमने इसी तरह से देखिए मैंने 1-2 यहाँ से 3 और एक ये 4 पट्टियाँ मैंने यहाँ से कट की हैं। और ये जो सलवार का पैंचा है इसमें से जितने भी हमारा कपड़ा बचा है इसमें से 4-4 इंच की पट्टियाँ हम कट कर लेंगे, और ये जो हमारे सलवार का कपड़ा है इसमें से भी हमें इसी तरह से पट्टियाँ कट कर लेनी है। तो यहाँ पर हम 4-4 इंच का इस पर भी निशान लगा लेंगे, और इसी तरह से पट्टियाँ हम सारे में से कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से पूरी पट्टियाँ यहाँ से कट करी हैं, और इसका भी हमें इसी तरह से कट कर लेना है जो बाकी हमारे सलवार का कपड़ा बचा हुआ है। और ये रहा हमारे सूट का, देखिए ये सलवार की एक कली रह गई, इसकी भी मैं कट कर लूँगी। और ये बचा हमारा जो हमारी बेल्ट का है, इसको हम एक साइड रखेंगे, सूट को ले लेंगे, और यहाँ सूट पे भी हम इसी तरह से निशान लगाएंगे। ये यहाँ से रखते हुए 4-4 उंगल पे हम निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ देखिए मैंने इस तरह से निशान लगा लिए हैं, और सुई से हम इसी तरह से टक लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने पट्टी कट कर ली है, और बाकी सूट की भी हम इसी तरह से पट्टियाँ कट कर लेंगे, और फिर मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। इसी तरह की हमें पट्टियाँ यहाँ से कट कर सारे ही पीसेस को इस तरह से कटर में कट कर लिया है। और ये देखिए जहाँ से हमने सूट का गला निकाला था वहाँ पे मेरी पट्टी पे इस तरह से गला आ गया है ये, और ये नहीं निकला है। ये देखिए इस तरह से पूरा मुझे यहाँ से निकालना, छोटी जो हमारी पट्टियाँ हैं इनको हम ले लेंगे। ये देखिए ये पट्टियाँ हैं इनको हम ले लेंगे, और यहाँ से हम इसमें गांठ बांध लेंगे। यहाँ देखिए मैंने ये गांठ बांध ली है, और गांठ बांधने के बाद में इसको हम इस तरह से रख लेंगे, और एक इस तरह से इसमें ये रोल बना लेंगे। ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से इस पर रोल बना लिया है, और रोल बनाने के बाद में एक ये लंबी पट्टी हमने ले ली है, ये देखिए इन्हीं में से कट करते हुए पट्टी को हम इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे, और यहाँ से हम इसमें से इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए कुछ हम ये लूप बना रहे हैं, इसमें से हमें इसी तरह से निकाल लेना है। इसको हमें थोड़ा सा ढील चुका है, और ये हमारे यहाँ से निकल रहा है, इसको हमें इसी तरह से सेट कर लेना है। इसके अंदर से हमें इस तरह से निकालना है, और इस लुक के इसमें से
निकालते हुए हम यहाँ पर सेट करना है। देखिए इस तरह से, और ये जो हमारा गांठ आ रहा है इसको इस तरह से रख लेंगे। और यहाँ पर हल्का सा इस तरह से हम कपड़े को देखिए मैंने यहाँ पर ये निकाल दिया है। एक लंबी पट्टी हम और ले लेंगे और इस लंबी पट्टी से भी हम इसी तरह से देखिए हमने छेद बना लिया है। ये देखिए यहाँ से निकाला और ये हमने इसमें से डोरी को निकाल दिया। तो इस तरह से हमारा ये फंदा बन गया। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे लूप्स बन के आ रहा है। उसको हम यहाँ की तरफ सेट करेंगे और अब हम यहाँ पर एक सेफ्टी पिन ले लेंगे। ये देखिए सेफ्टी पिन की हेल्प से अब आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ से हम इस तरह से निकालेंगे। ये हमारा डोरी वाला हिस्सा है, ये लेंगे हम इस तरह से यहाँ इसके पास से और पूरे ही फंदे को हम इस तरह से लूप बना लेंगे। तो हमें इस तरह से बनाना है कि हमारा फंदा यहाँ पर बन जाए। इस तरह से इसको हम हल्का सा खींचेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से बन के आ रहा है। इधर की साइड से आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए। और अब हमारा जो ये लूप आ रहा है यहाँ से एक फंदा हम और लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से अब अगला हमारा यहाँ पर ये लूप आया है तो हम इसमें से इसको निकाल लेंगे। और इसके कॉर्नर को हम अंदर की साइड में इस तरह से टर्न करते जाएंगे जिससे कि हमारे कॉर्नर अंदर की साइड में रहे। ये देखिए इस तरह से नेक्स्ट हमारा लूप यहाँ पर है। देखिए कुछ इस तरह से हमने कुछ इस तरह से इसको बनाया है। आगे की साइड में अब इसमें देखिए कुछ इस तरह से बन के आया। यहाँ से हम इसी तरह से देखिए इतना बड़ा मैंने होल कर लिया है यहाँ पर। और ये पट्टी मैंने ले ली है, इस पर भी हम इसी तरह से होल करेंगे। यहाँ से देखिए इस पट्टी को हम इधर से निकाल लेंगे और इधर से निकालने के बाद में ये पट्टी हमारी उल्टी साइड है, ये वाला छोड़ लेंगे, ये हम इसमें से निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से हम इसमें इसको इस तरह से फंसा लेंगे और फंसाने के बाद में इस पट्टी में यहाँ से इस तरह से लेते हुए सेफ्टी पिन को अटैच कर लेंगे। और यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट लूप आ रहा है निकल के, इसमें से हमें इस तरह से निकालना है। और ये देखिए इसके कपड़े को अंदर की साइड में इस तरह से सेट करना है। ये हमारा लूप आ रहा है यहाँ से, ये देखिए। इस तरह से और ये जो हमारे धागे निकल रहे हैं इनको हमें इसी तरह से निकाल देना है और यहाँ पर हमें इसको सेट करना है।
इसको हमें इस तरह से सेट करते जाना है जिससे कि जो हमारे धागे हैं वो अंदर ही अंदर सेट हो जाएं। यहाँ देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये बन के आ रहा है, ये देखिए इधर की साइड से, और हमारा कोई भी यहाँ पर धागा या कुछ मैंने यूज़ नहीं किया है। इसी तरह से आपको ये बनाना बता रही हूँ। देखिए ये जो हमारे लूप्स ये निकल के आ रहे हैं इसी में से हमें निकालना है। इसको इस तरह से बना लिया है और बनाने के बाद में अब देखिए यहाँ पर हम इस तरह से इसको पैर की हल्क से इसको रख लेंगे यहाँ पर, और अब हम ये जो हमारी नॉट है ये यहाँ से हम इसमें निकालते रहेंगे। सेट करते जाएंगे, पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे जैसे कि ये हमारा सीधा हिस्सा बाहर की साइड रहे और उल्टा हिस्सा हमारा इधर की साइड रहे। ये देखिए मैं आपको पास से करके दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से रखेंगे और यहाँ से जो हमारे ये लूप्स निकल के आ रहे हैं ये देखिए इसको अंदर की साइड में हमने सेट कर दिया है। हल्का सा इसको खींच लेंगे और इसके अंदर के किनारे को हम इस तरह से कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पर ये बन के आएगा। और बाकी भी मैं इसी तरह से पट्टियों को अटैच करके फिर आपको थोड़ा सा बड़ा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। प्रोसीजर हमारा सेम यही रहेगा, बैक से आप इसको देख सकते हैं बनने के बाद में। और इसको हम इसी तरह से पूरी डोरी को हम इसी तरह से देखिए हमने इस तरह से इसको बना लिया है और यहीं से मैं इसको इस तरह से बनाते जा रही हूँ। और यहाँ पर मैं केवल पिन का यूज़ कर रही हूँ, मैंने कहीं पर भी कोई यूज़ नहीं किया है। और हमारी अभी इतनी पट्टियाँ इसमें बाकी रह गई हैं और सभी मैं इसी तरह से ऐड करती जा रही हूँ और इसको बनाती जा रही हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ रहा होगा और आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी कि यहाँ पर मैंने बिना किसी कैंची के और किसी भी चाकू के मैंने इसको यूज़ करके इसको बनाया है सेफ्टी पिन से, बिना जॉइंट के बना रही हूँ मैं। यहाँ पर कोई जॉइंट नहीं लगाया मैंने। आप इसको लंबी लंबी पट्टियाँ तैयार करके भी इसको बना सकते हैं, लेकिन लंबी पट्टियाँ मैंने इसलिए नहीं तैयार की हैं कि जब हम इसमें से इसको निकालते हैं लूप को, जब हम ये लूप निकालते हैं तो हमें दिक्कत होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये पट्टियाँ छोटी छोटी ही रखी हैं और हमें जॉइंट करने में भी आसानी रहती है। तो छोटी छोटी पट्टियों को भी हम यूज़ कर सकते हैं और रोल बनाएंगे तो हमें दिक्कत होगी क्योंकि लूप में से हम पूरा रोल नहीं निकाल सकते। देखिए पूरा ही प्रोसीजर मैं इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप डालते हुए जितने भी हमारी यहाँ पट्टियाँ रह गई हैं सभी को मैं इसी तरह से बनाते हुए पूरे ही पायदान को डोरमेट को हम यहाँ तैयार कर लेंगे। और देखिए इसको बनाना बहुत आसान है, टाइम ज़रूर लगता है इसमें, लेकिन हम इसको बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक ही कलर का ये लिया है, आप इसमें कलरफुल ले सकते हैं। और ये देखिए मैं कोई यहाँ पर धागा नहीं यूज़ कर रही, कैंची नहीं यूज़ कर रही, और मैंने यहाँ पर सुई ली है और सुई से यहाँ पर हम होल कर रहे हैं दोनों ही पट्टियों को यहाँ जॉइंट करने के लिए। तो देखिए मैंने इस तरह से खींच के उसको तोड़ दिया है और यहाँ पर हम हल्का सा सुई के हेल्प से होल करेंगे। अब इस होल में से दूसरे वाले होल में से इसको निकाल लेंगे पट्टी को। ये देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, इसके अंदर से इसमें निकाल लिया मैंने पट्टी को इस तरह से, और इस वाले होल में से हम दूसरी पट्टी का इस तरह से छोर निकाल देंगे और यहाँ पर हमारी ये लॉक हो जाती है पट्टी। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हमें पट्टी को लॉक करते हुए पूरा प्रोसीजर इसी तरह से बनाना है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप पिन का हेल्प नहीं करना चाहते, पिन से इसको नहीं बनाना चाहते, तो आप इस तरह से पट्टी को यहाँ पर फोल्ड करेंगे और लूप में से आप इस तरह से उंगली की हेल्प से भी इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास पिन नहीं है, ऐसा तो पहली बात होता नहीं है कि हमारे घर में सेफ्टी पिन ना हो, लेकिन अगर आप पिन का भी यूज़ नहीं करना चाहते तो भी आप इस तरह से लेते हुए लूप में से पट्टी को निकालेंगे और यहाँ पर फंदा बनाते हुए इस तरह से इसको सेट करेंगे और जो धागे हमारे निकल रहे हैं उनको निकालते जाएंगे। और यहाँ से सीधी साइड हम बाहर की तरफ रखेंगे और जो हमारा उल्टा साइड है और जो धागे हैं उसको अंदर की साइड सेट करते हुए इसको पूरे ही प्रोसीजर को इसी तरह से बनाते हुए डोरमेट को हम कंप्लीट कर लेंगे। और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताया है, बिना कैंची, बिना धागे, बिना यहाँ पर सुई का यूज़ किए हुए, बिना धागे की यानी कि मशीन के बिना भी मैंने यहाँ पर आपको पूरा ही बताया है। और उम्मीद करती हूँ कमल शर्मा जिसने ये कमेंट करके मुझे बताया था कि आप ये डोरमेट बना के दिखाइए, तो आपकी रिक्वेस्ट को मैंने पूरा किया है।
वीडियो में बना ही रही थी और इस बीच उनके काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि आप कैंची का यूज़ मत कीजिएगा, चाकू का यूज़ मत कीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को फास्ट मत कीजिएगा। तो कमल जी, मैंने आपकी रिक्वेस्ट को पूरा ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया है, वीडियो को फास्ट नहीं किया है। कोई मैंने यहाँ पर कैंची यूज़ नहीं की है, चाकू यूज़ नहीं किया है, धागा यूज़ नहीं किया है और हाथों के यूज़ से ही मैंने आपको यहाँ पर पूरा डोरमेट कंप्लीट करके यहाँ दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं इतना मैंने यहाँ पर डोरमेट बना लिया है और जितना बाकी यहाँ रह गया है उसको भी मैं इसी तरह से प्रोसीजर से इसको कंप्लीट करूँगी। तो हाँ, देख सकते हैं आप इस तरह से हमारे ये बन गया है। जितनी पट्टियाँ रह गई हैं उसको भी मैं इसमें लगा के कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और बैक से आप इसका लुक देख सकते हैं कितना फिनिशिंग से यहाँ पर हमारा डिज़ाइन बन के इस तरह से आ रहा है। और ये जो धागे देख रहे हैं ये फैब्रिक वाले धागे हैं, ये देखिए इस तरह से सभी को मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। यहाँ देखिए हमने पूरा इस तरह से पट्टियों को लगा के जॉइंट करके जिस तरह से मैंने एक प्रोसीजर दिखाया था उसी तरह से कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ लास्ट में हमें इसको किस तरह से लॉक करना है ये मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए किनारी की साइड से हमने इसको फिनिशिंग के साथ में इसको लॉक करना है जिससे कि ये हमारा निकले नहीं, खुले नहीं, डोरमेट हमारा यहाँ पर सिक्योर हो जाए। क्योंकि मैं यहाँ पर कोई सुई का यूज़ नहीं कर रही हूँ इसको लॉक करने के लिए, यहाँ तक हमने इसको बना लिया है। अब देखिए यहाँ से हम सेफ्टी पिन को निकाल लेंगे। यहाँ मैंने सेफ्टी पिन को निकाल लिया है, एक यहाँ पर छोटा सा हम होल करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर ज़रूर सुई का यूज़ किया है जिसमें मैंने कोई धागा नहीं डाला है। और आपकी रिक्वेस्ट को मैंने पूरा ध्यान रखते हुए ही पूरा वीडियो को कंप्लीट किया है। अब देखिए इसको हम इस तरह से लेंगे और यहाँ से इसको निकालेंगे, जो हमने लूप लगाया है इसी के अंदर से इसको निकालेंगे यहाँ पर और इसको हम खींच लेंगे। अब ये सुई की हेल्प से इसके लूप के अंदर से ही इसको हम फिक्स कर देंगे जिससे कि ये हमारा किनारा बाहर की साइड में बिल्कुल भी दिखाई ना दे और फिनिशिंग से यहाँ पर ये लॉक हो जाए। ये देखिए और डोरमेट हमारे यहाँ पर बनके तैयार हो चुका है फिनिशिंग के साथ में, आप देख सकते हैं, बैक साइड से भी देख सकते हैं। और ये जो फैब्रिक वाले जो धागे हैं ये इस तरह से निकलेंगे, तो आप इसको निकाल दीजिएगा। डिज़ाइन आप इसका देख सकते हैं बनने के बाद में कितना प्यारा यहाँ आया है। और यहाँ पर ये जो कपड़े बचे हैं ये सिर्फ इतने ही बचे हैं और ये धागा है ये जो खींच रहे थे हम वो है। अगर मैं कैंची का यूज़ करती तो ये बिल्कुल भी धागे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं निकलते और ये मैंने खींच के बनाया इसलिए ये धागे यहाँ पर दिख रहे हैं। और सेफ्टी पिन और सुई की हेल्प से पूरा हमारा डोरमेट बन के तैयार हो चुका है, ये देखिए फिनिशिंग के साथ में। ये देखिए बिल्कुल भी यहाँ से कोई निकल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं है, परफेक्टली ये बनके तैयार हो चुका है। और अब मैं यहाँ पर इसको आपको मेजरमेंट बता देती हूँ कि एक सूट और सलवार से इसकी कितनी लंबाई और चौड़ाई तैयार हुई है। 14 इंची की इसकी जो हमारे मैक्सिमम डोरमेट होते हैं रेडीमेड वाले उसी के माप से मैंने इसको बना के तैयार किया है। और ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितना प्यारा यहाँ पर बनने के बाद आया है। अगर आप इसको सिंगल कलर में ना बना के मल्टी कलर में बनाएंगे तो इसका लुक और कुछ और ज़्यादा ही अच्छा आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपका कोई सवाल हो या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।